दोस्तों, अगर आपको स्लो कुकिंग करने का शौक है, पुराने जमाने के स्टाइल में, आप प्रेशर कुकर में नहीं हल्की आंच पे या दम पे खाना बनाने पे यकीन रखते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है आपके पास हो एक डच ओवन। दम पे कोई चीज पकाने के लिए जरूरी है कि जिस बर्तन को आप यूज कर रहे हैं उसकी तय मोटी हो, अगर पतली होगी तो खाना स्टिक करेगा या जलेगा। बर्तन का हाई हीट रेजिस्टेंट होना भी जरूरी है और मजबूत भी, क्योंकि दम पे खाना बेशक कम हीट पे पकता हो, बहुत देर तक हीट दिया जाता है, इसलिए बर्तन की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। पानी ना निकल जाए स्टीम बन के, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स पे खरा उतरता है ये वंडर शेफ का डच ओवन, जो अंदर से है लोहे की और बाहर से रस्ट रेसिस्टेंट एनामल कोटेड। इसको कैसे यूज करें और कैसे ये फायदेमंद है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं योर किचन। यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ तरह तरह के होम और किचन प्रोडक्ट्स के इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग किचन टूल्स, बर्तन या अप्लायंसेस के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे मेरी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, गली हुई पर टेस्टी चने की दाल, हड्डियों तक पिघला हुआ गोश्त, खुशबूदार हैदराबादी कच्ची बिरयानी, ऐसे डिशेस के बारे में सोचते ही मुँह में पानी आता है। ये मैजिक था पुराने जमाने की स्लो कुकिंग यानी दम की। आप हजार प्रेशर कुकर यूज करके खाना बनाएं, दम वाली टेस्ट नहीं। ये है वंडर शेफ का डच ओवन, जो इस काम को आसान कर देता है। ये अंदर से कास्ट आयरन से बना हुआ है। कास्ट आयरन हाई हीट को बर्दाश्त करता है और बहुत देर तक गर्म रहता है, इसलिए आपकी गैस भी बचती है। बाहर का एनामल कोटिंग रस्ट और चिप रेजिस्टेंट है। दिखने में खूबसूरत और साफ करने में आसान होने के अलावा, बाहर का सरफेस हीट को अंदर ही प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। इसका लेड एक्स्ट्रा हेवी है, ताकि अंदर का मॉइस्चर अंदर ही रहे और खाने की खुशबू भी। तो आपको दम लगाते वक्त ऊपर वजन नहीं रखना पड़ेगा। लिड के अंदर है ये डॉट्स, जो ऊपर आती स्टीम को पानी में कन्वर्ट करके वापस बर्तन में भेज देता है। खाने का मॉइस्चर नहीं उड़ जाता और आपको बार बार पानी ऐड नहीं करना पड़ता। आपको इस प्रोडक्ट पे 5 साल की वारंटी भी मिलती है। रेड, ब्लू, पर्पल, ब्राउन कलर्स में अवेलेबल ये डच ओवन्स आपको अलग अलग साइजेस में भी मिल जाता है, जैसे कि 2.4 लीटर, 3.4 लीटर और 5 लीटर। ये आपको 2 से लेकर 4 हजार के कॉस्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, कुछ जरूरी बातें। इसके ढेरों फायदे हैं, पर उसके साथ साथ इसको यूज करने के लिए कुछ स्पेशल केयर भी लेना पड़ेगा। ये कास्ट आयरन का है, तो यूज करने से पहले इसको सीजन करना मत भूले। इसको फर्स्ट यूज से पहले अच्छी तरह घिस के साफ करें, धोए और इमीडिएटली पानी को कम्प्लीटली ड्राई करके इस पे कुकिंग ऑयल लगाए। उसके बाद इसको गर्म करें अच्छी तरह, फिर ठंडा करके पोंछ के रखें। जब भी यूज करेंगे उसके बाद स्क्रब मत करें। इसको हल्का डिश वॉश से धो के फिर ड्राई करके तेल लगा के ही रखें। ऐसा करने से ये लगभग नॉन स्टिक हो जाता है। अगर आप बार बार स्क्रब करेंगे या फिर तेल ना लगा के स्टोर करेंगे, तो इसका आयरन सरफेस रस्ट होगा, इस पे जंग लगेगा और खाना चिपक जाएगा। सही तरीका से यूज करने से ये आपको बहुत फायदा देगा और पूरी जिंदगी चलेगा। और एक बात है कि ये भारी कुकवेयर है। अगर आपको भारी बर्तन पसंद नहीं है, तो ये आपको पसंद नहीं आ सकती है। तो नानी दादी की किचन की स्लो कुकिंग वाला मैजिक को वापस लाना हो, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको ये खरीदना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। आप देख रहे थे योर किचन। आएंगे वापस एक नई वीडियो में कोई और काम की प्रोडक्ट की जानकारी लेके। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना।